आप एक बार लोकेशन के बारे में बताइए कि लोकेशन क्या है। अगर मैं क्लाइंट को जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट कराती हूँ तो क्या स्कोप है एप्रिसिएशन होने का? पटोदी रोड है ऑलरेडी वाइड होने वाला है, जो पीछे जी से बनता हुआ आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो ऑलरेडी आपका जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, वो अभी दिसंबर में उस फेज का इनोग्रेशन होना है। सवाल ज्यादातर कस्टमर्स का हो सकता है, ये आपका बहुत जेनुअन सवाल है, में भी जहां आज द्वारका एक्सप्रेसवे की फेसिंग लगती है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, जो गुड़गांव की साइड है, इधर ही जो कनेक्टिविटी थी वो इतनी मेजर नहीं थी। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट देखोगे तो बहुत पुरानी है, इतने खास डेवलपर नहीं है। सिंगल स्टोरी वहां पे आपको अपार्टमेंट मिल जाएंगे। यहाँ आपके बिहाफ से मेरे से सवाल जवाब करेगी, जो भी आपके डाउट है नवराज डेवलपर को लेके, या उस लोकेशन को लेके, या आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसको लेके सेल्स करते हैं। तो इनके सामने बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो सवाल जवाब ज्यादा होता है, तो उनके रिप्लाई कैसे किए जाते हैं, क्या डाउट होते हैं, वो उनके बिहाफ पे ये हमसे सवाल जवाब करने वाले हैं। नेहा जी, आप हाँ पूछिए कि आप के क्या सवाल जो जी, डाउट रहते हैं कस्टमर्स के सामने, वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को मौका दिया वीडियो में आने का। क्वेश्चन, पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि नवराज 37D, थोड़ा आप एक बार लोकेशन के बारे में बताइए कि लोकेशन क्या है। अगर मैं क्लाइंट को जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट कराती हूँ तो क्या स्कोप है एप्रिसिएशन होने का? देखिए नेहा जी, सबसे पहले ये बात है कि 37D की मेजर कनेक्टिविटी क्या है, हम उसके ऊपर थोड़ा सा गौर डाल लेते हैं, उसके बाद हम प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। हाँ जी, देखिए 37D दो मेजर रोड की कनेक्टिविटी में आता है। एक आता है जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके फ्रंट में, दूसरा आपका पटोदी रोड के ऊपर। तो ये दो मेजर रोड लगते हैं, जो कि पटोदी रोड है ऑलरेडी वाइड होने वाला है, जो पीछे से बनता हुआ आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो ऑलरेडी आपका जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, वो अभी दिसंबर में उस फेज का इनोग्रेशन होना है। तो ये दो मेजर कनेक्टिविटी होगी। तीसरी, अगर लोकेशन की अगर बात करें, तो 37D के द्वारका एक्सप्रेसवे के फ्रंट में 200 मीटर की कमर्शियल बेल्ट होती लगती है, जिसमें इंप्लॉयमेंट का आना तय है। अगर हम दूसरी वे में देखें पटोदी रोड की साइड से, तो ग्लोबल सिटी जो 1,003 एकड़ में वहां पे डेवलपमेंट होनी है, उसके बाद बगल में 88 सेक्टर है जो कि पूरा कमर्शियल सेक्टर है। तो आसपास 37D के सेक्टर के आसपास सारा का सारा इंप्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफी अच्छा है। अगर मैं क्लाइंट को इन्वेस्ट कराती हूँ नवराज 37D में, तो क्या स्कोप है एप्रिसिएशन का? देखिए नेहा जी, एप्रिसिएशन का स्कोप वहां होना ही है। रीजन अगर मैं दूसरे वे में देखूं, क्योंकि अभी इनोग्रेशन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इनोग्रेशन होना है उसका दिसंबर में, तो ये एक नेशनल न्यूज होगी और गवर्नमेंट इसको, क्योंकि इलेक्शन है अगले साल, तो गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा पब्लिक ज्यादा करने की कोशिश करेगी, मार्केटिंग करेगी कि इन्होंने इस टाइप की ये चीजें बनाई हैं। साथ में ग्लोबल सिटी का भी वो मार्केटिंग करेगी, जिससे जो बाहर का जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर, और उसकी वजह से जो रेट में जो आज जंपिंग है वो होनी शुरुआत हो जाएगी, जैसे ये जो न्यूज है मार्केट के अंदर आएगी कि भाई ये द्वारका एक्सप्रेसवे इस तरीके से बनाया गया है। आज जो व्यक्ति द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं जा रहा, वो एक बार वहां कोशिश करेगा कि एक बार जाके देखे दो, क्योंकि ग्लोबल सिटी का भी अभी 2-3 महीने में अभी न्यूज आई थी, 24 सितंबर को न्यूज आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग अभी नवंबर दिसंबर में वहां भी काम होना शुरू हो जाएगा और वहां पे जंप आ रहे, क्योंकि 2-3 और डेवलपर आ रहे हैं जो हाई रेट के अंदर वहां पे प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। तो आज के अगर रेट देखा जाए तो नवराज का जो रेट है वो काफी अच्छा है और इन्वेस्टमेंट करने के लायक है, जिससे आपके कस्टमर को एप्रिसिएशन वो अच्छा मिलेगा। नवराज जो है नया डेवलपर है, थोड़ा ट्रस्ट इशू हो रहा है फैक्टर, उसको हाँ, ये सवाल ज्यादातर कस्टमर्स का हो सकता है, ये आपका बहुत जेन्युइन सवाल है कि नया डेवलपर्स है तो इसके ऊपर हम क्या जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए नया, सबसे पहले कि ये पहला ही प्रोजेक्ट नहीं बना रहा है, इन्होंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। उस प्रोजेक्ट को देखो, उसका विजन समझो कि जो इन्होंने बोला था क्या उसके अंदर वो चीजें हैं, नहीं है। उसमें कंस्ट्रक्शन अच्छी चल रही, मैंने खुद अपने उसपे R&D की है, प्रोजेक्ट अच्छा बना रहे। दूसरा प्रोजेक्ट जो ये लेके आ रहे हैं वो काफी अच्छा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें फीचर भी अच्छे हैं और सारी चीजें अच्छी। जो इनका जो विजन है, विजन काफी अच्छा है, क्योंकि जब हम किसी नए डेवलपर के साथ जाते हैं ना, सबसे पहले हमने उसके विजन को समझना चाहिए,
वन टू वन करना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें उस चीज को समझना चाहिए। तो नवराज के अंदर ऐसा कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि इनका बैकअप काफी अच्छा है, काफी अच्छे कंस्ट्रक्शन इनके पार्टनर आ रहे हैं, जिससे हमारी जो बिल्डिंग है और हमारी जो टाइमिंग रहेगी कंस्ट्रक्शन बनाने की वो काफी अच्छी रहने वाली है। तो नो डाउट आपको इसके अंदर जाना चाहिए। सुमित सर, आपने बिल्कुल सही कहा, जो है नया डेवलपर है तो कुछ सोचना चाहिए होगा सर, बट कुछ पुराने बिल्डर्स हैं उनके भी जो है प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। सो यू नो कि पुराने बिल्डर से जब टाइम पे डिलीवरी नहीं दे रहे तो हम नए बिल्डर पर कैसे फिर से वही थोड़ा आ जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा आपका थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसके बारे में थोड़ा। देखिए, पुराने डेवलपर से की अगर बात की जाए ना, तो उनके जब वो प्रोसेस करते हैं किसी प्रोजेक्ट को, देखो सेल करने का एक प्रोसेस होता है, अगर उस प्रोसेस के अंदर अगर आप चल रहे हो, एक अच्छा प्रोसेस आप बना के चल रहे हो, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हो और जो गाइडलाइन प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से है उनको फॉलो कर रहे हो, तो जनरल सी बात है आप एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक अच्छा प्रोसेस और आप लंबा चलेंगे। अगर आप उस प्रोसेस से हटके अगर कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करते करते आपने अदर प्रोजेक्ट की भी लैंड बाय करके रख ली, या कुछ ऐसे उसके अंदर चीजें डाल दी, उस प्रोजेक्ट को सेल करने का प्रोसेस बदल दिया, या दूसरे तरीके से सेल कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो फॉल्ट निकल जाते हैं। जैसे कि बायर आज मार्केट के अंदर है, कई तरीके के बायर्स होते हैं, ठीक है, तो कोई जैसे सैलरीड होते हैं, कोई बिजनेसमैन होते हैं, तो उनके पास फंडिंग अलग अलग तरीके की होती है, तो उनमें उसके हिसाब से वो जो इन्वेस्टमेंट पोर्टल रखा जाता है, जो फंड डाला जाता है, उसमें वो फंड देखा जाता है कि वो किस हिसाब से उसको यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर फिर वो R&D की जाती है कि भाई जो फंड आ रहा है वो प्रॉपर एज ए मतलब जो गाइडलाइन बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग है या उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो जो उसके अगेंस्ट जो चीजें जा रही है आप उस प्रोसेस में कभी मत घुसो, क्योंकि वो कहीं कहीं जाके एक बार वो दिक्कत आ जाती है, क्योंकि ऐसे कई ऐसे डेवलपर है जो गुड़गांव के टाइम पे जब डेवलपमेंट हुई थी तो आए थे और वो आज वो दिक्कत में है क्योंकि उन्होंने उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया था, तो इसलिए हमें ये चीजें चेक करनी चाहिए। सो आपकी बात सही है सर, प्रोजेक्ट अच्छा है, लोकेशन अच्छी है। सो कुछ क्लाइंट्स क्या है कि गोल्डकोर्स एक्सटेंशन रोड की वहां पे प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना अच्छा है, डेवलप एरिया है, तो वहां पे हम क्यों इन्वेस्ट करें अभी? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे अगर कोई क्लाइंट इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका एप्रिसिएशन वहां पे अच्छा मिल रहा है, बट वहां पे तो अभी 3 या 4 साल मैक्सिमम उनको लगेंगे एप्रिसिएशन कमाने में। देखिए नेहा, जब हम किसी डेवलपमेंट एरिया, एक अंडर डेवलपमेंट एरिया के अंदर जाते हैं तो इनमें प्राइजों में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ठीक है। अब जो कस्टमर एक्सटेंशन रोड पे आज जो प्रॉपर्टी मांग रहा है उसको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको 5,000 से 6,000 रुपए पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। आज अगर वो 4,000-5,000 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट दे के प्रॉपर्टी खरीद रहा है एक्सटेंशन रोड पे, और जब वो रीसेल करने जाएगा तो उसको जो जेंट्री है, जो खरीदने वाली जब आगे आएगी, वो बहुत कम मात्रा में मिलेगी, यानी परसेंटेज है उसका कम हो जाएगी, क्योंकि इतने हाई रेट का जो बायर है वो कम होता जाता है, ठीक है। अगर यही चीज अगर हम द्वारका एक्सप्रेस वे पे देखें, आज हम कम रेट पे खरीदें और फिर कुछ टाइम के बाद उसको सेल करने जाए, तो वहां पे जो परसेंटेज है जो बायर की वो ज्यादा होगी, इसलिए वहां पे जो बायर्स की जो लिमिटेशन है वो ज्यादा होती है, हम निकाल भी अच्छा सकते हैं और वहां पे डिमांड है वो बढ़ेगी, ठीक है। एक्सटेंशन रोड पे ऑलरेडी डिमांड और जो सप्लाई है वो काफी आ चुकी है, क्योंकि वहां पे हाई अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बड़े सेगमेंट में आ रहे हैं, लमसम 5-6 करोड़ प्लस की इन्वेंट्री वहां पे आ रही है, 5-6 करोड़ का बजट हर कस्टमर का नहीं होता है, ठीक है। और जब कोई एंड यूजर, क्योंकि सेकंड टाइम जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, फर्स्ट टाइम होता है कि इन्वेस्टर, सेकंड टाइम कौन आता है, एक एंड यूजर आता है, क्योंकि मोस्टली इन्वेस्टर, जहां तक का मेरा मानना है कि इन्वेस्टर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में बहुत रेयर ऐसे चांस है जो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर स्टार्टिंग में घुसेगा, तो इसलिए जो बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलता है वो डेवलपमेंट एरिया में मिलता है, जो द्वारका एक्सप्रेस वे अभी अंडर डेवलपमेंट है, और वहीं पे जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है डेवलपमेंट के, तो वहीं पे आसपास का जो एरिया है वो बेटर रहता है, जैसे कि मेरा मानना है। देखो इसमें एक पॉइंट और ऐड करता हूं, जैसे कि गोल्डकोस्ट रोड है, एक्सटेंशन रोड है, ये एरिया ऑलरेडी पीक पे है, यानी पीक मींस कि इनके जो प्राइसिंग है वो बहुत हाई हो चुके हैं। एक एरिया में आप मान लीजिए आप लगा रहे हैं 16,000-17,000 पर स्क्वायर फीट का माल खरीद रहे हैं,
फिर आप ज्यादा उसके अंदर कितना आप एप्रिसिएशन ले सकते हैं, 2,000-3,000 हद मार के 4,000 रुपए तक का। अगर हम अंडर डेवलपमेंट एरिया में जाते हैं तो आप 12,000-13,000 रुपए का माल खरीदते हैं, वहां तक जाने में क्या पता आप 22,000-25,000-30,000 रुपए तक भी रेट हो सकते हैं, क्योंकि अंडर डेवलपमेंट के एरिया के अंदर जाने में किसी प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी है, हाई रेट हो चुके हैं, डेवलपमेंट आ चुकी है, वहां पे आने लग रही है, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट वहां करो जहां पे आपको अनलिमिटेड रेट मिल सकता है। डेवलपमेंट एरिया में आप ज्यादा पैसा देंगे इन्वेस्टमेंट के लिए और उतना टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा उसको कमाने के लिए। अंडर डेवलपमेंट एरिया के अंदर आपको थोड़ा सा पैसा कम देना पड़ेगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, इसलिए आपको ऐसे एरिया सेलेक्ट करने चाहिए। सो सेक्टर 37D एंड 36C में जो सेक्टर है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसमें यू नो प्रोजेक्ट्स वगैरह है, बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं हुआ है, तो आप मतलब हम कैसे वो करेंगे कि जो नवराज 37D में आ रहा है वो एप्रिसिएशन हो गई, कैसे ग्रोथ में आएगा मतलब? ओके नेहा, देखो इसमें जब 37C और 37D जब डेवलपमेंट हुए थे इन सेक्टरों में जो सोसाइटी आई थी पहले, क्या था कि 37D और सी की है ना कनेक्टिविटी नहीं थी। देखो द्वारका एक्सप्रेस से तो अभी आया है, द्वारका एक्सप्रेस से इसलिए उधर से कनेक्टिविटी होगी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो होंडा चौक से, हीरो होंडा चौक से बसई का जो रोड था वो बहुत टाइट हुआ करता था, तो इतनी मेजर जो कनेक्टिविटी ना होने की वजह से वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि इधर का जो एरिया है 37C का जो गुड़गांव की साइड लगता है, यहाँ पे मोस्टली कॉलोनी यहाँ पे डेवलप की गई थी, तो इसकी वजह से ज्यादातर जो सेक्टर की जो लैंड थी वो बैक साइड में थी जहां आज द्वारका एक्सप्रेस वे की फेसिंग लगती है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है जो गुड़गांव की साइड है, इधर ही जो कनेक्टिविटी थी वो इतनी मेजर नहीं थी, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट देखोगे तो बहुत पुरानी है, इतने खास डेवलपर नहीं है, सिंगल स्टोरी वहां पे आपको अपार्टमेंट मिल जाएंगे, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी आज मिल जाएंगी जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो यहाँ पे सारी की सारी पुरानी डेवलपमेंट है, इसलिए लोग थोड़े से अट्रैक्ट नहीं हुए उस सेक्टर से और उस डेवलपमेंट से। आज जो डेवलपमेंट हो रही है 37D में टोटली न्यू डेवलपमेंट, चाहे वो रोड्स की लगा लो, कनेक्टिविटी की लगा लो या गवर्नमेंट डेवलपमेंट की लगा लो, तो जहां पे कनेक्टिविटी आपकी इजी हो कस्टमर के लिए आने में और उसको ऑफिस जाने में या स्कूल या कहीं भी वो अगर वो वर्किंग है तो उसको फास्ट कनेक्टिविटी जहां मिलेगी वहां पे वो जाना पसंद भी करेगा और हमेशा वहीं पे डिमांड और डेवलपमेंट ज्यादा होती है। इसलिए आपको नवराज में इसलिए गाइड किया जाता है क्योंकि वो बैंक और द्वारका एंड आपका एम्प्लॉयमेंट वहां से फास्ट होता है। थैंक यू सो मच सुमित सर, जो मेनली क्वेश्चंस होते हैं क्लाइंट्स की तरफ से आते हैं, इन्वेस्टर जो लोग पूछते हैं, मेनली सब रिकवर हो गया है। सो गाइज, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नवराज इज वेरी बेस्ट लोकेशन को लेके एंड एप्रिसिएशन को लेके। सो गाइज, अभी भी देर नहीं हुई है, आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लोकेशन इज वेरी एंड एप्रिसिएशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भैया, आपने काफी तीखे सवाल पूछे हैं मुझसे तो कोशिश है उनको मैंने कम्प्लीट किया हो। तो गाइज, अगर आपके इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में जरूर डालें, या आप कोई और अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। हमने यहाँ पे ना लर्निंग चैनल बनाया है रियल स्टेट के रिगार्डिंग में, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही डिस्कस किया करेंगे। अगर आप रियल स्टेट की नॉलेज के बारे में लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या रियल स्टेट क्या है, मार्केट क्या है, हम दूसरे चैनल पे किया करेंगे, वहां पे हम पॉडकास्ट भी शुरू करने वाले हैं। तो मोस्टली अगर आप चाहते हैं उस टाइप का कंसेप्ट लर्निंग न्यूज के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर कोई आपकी इंक्वायरी या कुछ और डाउट रह गए हैं तो आप प्रॉपर तरीके से कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंटरटेनमेंट के साथ। थैंक यू दोस्तों।